हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में सुबह के मुकाबले कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कमोडिटी बाजार में किस किस कमोडिटी में कितनी मंदी तेजी है और किस कमोडिटी में आगे जाके अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, ये सब जानेंगे और एक्सपर्ट की भी राय जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नॉन एग्री में सोने चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि ना ही ज़्यादा बाज़ार ऊपर उठ रहा है ना ही ज़्यादा नीचे जा रहा है। बाज़ार अभी एक सीमित दायरे में स्थिर हो चुका है, $1927 पर कल से देख रहे हैं इसी रेंज में ट्रेड करता नज़र आ रहा है। ज़्यादा मंदी तेजी इंटरनेशनल के साथ साथ घरेलू वायदा में भी बनती नज़र नहीं आ रही है। घरेलू वायदा में चांदी MCX पर 66,000 और गोल्ड 51,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रही हैं, दोनों ही लाल निशान पर हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड हरे निशान पर है और सिल्वर हरे निशान पर, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो थोड़े नरम देखने को मिल रहे हैं। दरअसल जो डॉलर इंडेक्स है उसमें तेजी है और डॉलर इंडेक्स के साथ साथ जो फेडरल रिज़र्व बैंक की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं वॉलेटाइल देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सोने चांदी में कमाई कैसे करें, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार। नमस्कार अजय जी। अजय जी, सबसे पहले सोने चांदी के ऊपर बात करें तो सोने चांदी का बाजार देख रहे हैं कि काफ़ी सीमित हो गया है जब से डॉलर में तेजी आई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, सोने चांदी का बाजार ऐसे सीमित दायरे वाला कब तक रहने वाला है और आगे कैसा रहेगा? सोने चांदी में हमने देखा फैक्टर जो है वो काफी इंपैक्टफुल है, या हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट और ट्रेंड दोनों ही बन रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हो रही है जिसके चलते प्राइसेस का अपसाइड तो कैप हो चुका है। कल के फेड की मीट में भी हमने देखा इन्फ्लेशन का चिंता कंटिन्यू बना है जो गोल्ड को सपोर्ट भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मिक्स फैक्टर होने की वजह से इंटरनेशनल 1910 से लेकर 1940 की रेंज में अटक चुका है, क्योंकि एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो दूसरी तरफ हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद स्लो ग्रोथ की भी बातें बता रही हैं। तो काफी फैक्टर मिक्स होने की वजह से मार्केट हमें लगता है डोमेस्टिक मार्केट पे 51,000 से लेकर 52,200 का जो रेंज है, 52,200 से लेकर 51,000 का, इसी रेंज में मार्केट मूव करेगा। ब्रॉडर रेंज है। रुपए में जो गिरावट आ रही है वो सपोर्ट मिल रहा है हमको डोमेस्टिक, बट मुझे लगता है कि 52,200 के ऊपर तोड़ने पे ही 53,500 के लेवल की हम तैयारी करेंगे, अदरवाइज मार्केट रेंज में रहेगा। जी ये सर जी, देख रहे हैं कि WTI भी $100 के नीचे लुढ़का है और ब्रेंट क्रूड में भी कल के मुकाबले आज नरमी देखने को मिली, $102 पर ब्रेंट ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या क्रूड ऑयल में अभी कीमतें और ज्यादा नीचे गिरेंगी या फिर कीमतें यहाँ से कम बैक कर सकती है? देखिए, क्रूड के अंदर आपने देखा कि रिसेंटली जो फॉल आया है दैट इज प्योरली कि IEA 7 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन मार्केट में हम लोग प्रोडक्शन तो नहीं बोलेंगे बस स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओपन करेंगे जिसकी वजह से मार्केट में ये फॉल आता हुआ दिखा है। बट कहीं ना कहीं अभी भी एक थोड़ा बहुत था, ये भी बोल सकते हैं कोरोना का जो कंसर्न चाइना में बन रहा है वो भी थोड़ा सा कंसर्न है, बट अभी भी सप्लाई इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो सप्लाई में मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस रहेगा। तो $98 का सपोर्ट ब्रेंट को मिलता हुआ दिखेगा, जबकि हाई साइड की अगर हम बात करें तो 112-118 तक के लेवल भी हम देख पाएंगे। टर्मिनल उसका क्रूज में मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप ही रखिए, बिकॉज बार-बार में हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट में भी 77,000 के आसपास है ना, 7,100 के आसपास बार बार में मार्केट में बाइंग लॉट में दिखाई दी। तो ब्लैंक सेल जैसी सिचुएशन पर नहीं बन रही है बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप ही है, तो 70 और 3200 पर हम लोग बाय करके चल रहे हैं। जी अजय जी, बेस मेटल्स में कैसा रुझान लग रहा है आपको और किस बेस मेटल में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है? इनफैक्ट अभी देखा जाए तो 15 दिन से हमने पूरी कमोडिटी मार्केट में एक स्लगिशनेस देखी है। बेस मेटल की भी बात करते हो, चाइना मार्केट बीच में 50 पे था, साथ ही हमने देखा है कि कोरोना की कंसर्न की वजह से लॉकडाउन अनाउंस हो गया जिसकी वजह से भी डिमांड पे थोड़ा ड्रॉप है। नो डाउट सप्लाई इन्वेंट्री फैक्टर है वो लॉन्ग टर्म अभी भी सपोर्ट में चल रहे हैं,
तो आई थिंक मार्केट जो अभी एज ऑफ नाउ है वो रेंज बाउंड ही है। इसके अंदर जैसे कॉपर की अगर हम बात करें तो 810 से लेकर 830 का एक बॉर्डर रेंज बना हुआ है। वहीं अगर निकल जिंक की बात करते हैं, यहाँ पे हमने इन्वेंट्री मल्टीपल ईयर के लो पे देखा। स्टेनलेस स्टील की डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ रही, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्डर्स है वो अभी फुलफिल हो रहे हैं, तो स्टेनलेस स्टील की डिमांड के अंदर इसका काफी बड़ा हक रहता है। तो जिंक के अंदर भी मुझे लगता है 348 के करीब मुझे लेके चलिए। एल्यूमिनियम लैड है, यहाँ पे हमने देखा एल्यूमिनियम में थोड़ा बहुत फॉल जरूर है, बट लोअर साइड पे अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट दे, तो अभी तो मुझे लगता है कि बेसमेंट अगला एक हफ्ता रेंज में ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाई वापस लौटते हुए दिखेगी। जी अजय जी, नेचुरल गैस की कीमतों को भी हमने उछलते हुए देखा है काफी ज्यादा। नेचुरल गैस में भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त बनती नजर आई है हाल फिलहाल के अंदर, तो नेचुरल गैस में आपको क्या लगता है, क्या नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में भी ऐसी तेजी बरकरार रहेगी या फिर ये छोटी अवधि के लिए तेजी बनी है? देखिए टाइमिंग तो हम बोल सकते हैं कि छोटी अवधि के लिए ही है, बिकॉज ये ढंग से हमने सप्लाई कंसर्न्स बनते हुए देखा है, ये काफी इंपॉर्टेंटली मार्केट पे मूव कर रहा है। जर्मनी ने सॉरी रशिया ने डिमांड किया है कि हमको जो भी पेमेंट करना है वो आप रूबल में कीजिए, जिसके बाद हमने देखा ये कंसर्न थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो टाइमिंग का मुझे लगता है कि ये टेम्पररी है, और एक अच्छा की चार्ट पे हमने दो तीन पैटर्न देखे, तो डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए देखा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि प्राइजेस नाना करके भी 470-480 की रेंज में दिखा करके एक बड़ा करेक्शन ले लिया था, तो सिमिलरली अभी भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट डबल टॉप बना चुका है और एक तीन बार रिवर्सल पैटर्न होता है टेक्निकली वो भी दिखा रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच चाहिए, क्योंकि 450 का लेवल या इनफैक्ट 455 का लेवल ब्रिज हो जाता है तो टेक्निकली एक बड़ा करेक्शन दिख रहा है। बट हाँ, फंडामेंटल अभी भी ऐसे कोई बैरिश नहीं हुए, क्योंकि सप्लाई कंसर्न बने हुए हैं अभी भी, तो आई थिंक थोड़ा वॉचफुल रही है। बट अगर 455 का लेवल भी टूटा तो आई थिंक एक बड़े करेक्शन के लिए हम तैयारी में रहेंगे नेचुरल गैस के अंदर। जी अजय जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप नॉन एग्री कमोडिटीज में? नॉन एग्री में मुझे लगता है कि थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर पे ध्यान रखिए, क्योंकि बेस मेटल और क्रूड ऑयल इनमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी हुई है डे बाय डे। तो मुझे लगता है चांदी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग है एज ऑफ नाउ। 66,000 के करीब लेके चलिए, 65,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 67,500 का लेवल तोड़ने पे 69,000 का लेवल चांदी में मिल जाएगा। वहीं सोना 50-200 के ऊपर बाय कीजिए, अदरवाइज 51,150-200 के करीब बाय करके चलिए। 50-200 का लेवल अगर तोड़ देता है तो अपने 53,000 तक का भी लेवल आराम से मिल जाएगा। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ सब आगे बात करेंगे, बढ़ेंगे एग्री कम्युनिटीज की तरफ, जानेंगे अजय जैसे कि एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर कमाई के मौके हैं, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैंथ ऑयल से। अजय जी, सबसे पहले मैंथ ऑयल की बात की जाए तो MCX पर हमने लगभग दो ट्रेडिंग सेशंस पहले मैंथ ऑयल को 1150 के आसपास ट्रेड करते देखा था, फिर वहां से करेक्शन आई थी जो कीमतों को नीचे 1102-1105 के लेवल तक लेके गई थी। अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो कीमतें हैं फिर से 1120 इसी रेंज में ट्रेड करती नजर आ रही, धीरे धीरे रिकवर भी हुई है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मैंथ यहां से अब 1150 के ऊपर की भी लेवल दिखा देगा या फिर अभी कंसोलिडेशन मोड देखने को मिलेगा? मैंथ में फंडामेंटल काफी मजबूत है, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि प्राइजेस के अंदर अभी जो सपोर्ट मिल रहा है दैट इज प्योरली बिकॉज सोइंग का एरिया कम हो सकता है। साथ में हमने देखा बासफ जो वन ऑफ द बिगेस्ट सिंथेटिक मैंथा प्रोड्यूसर है, यहाँ पे हमने देखा बासफ ने क्लियरिटी दी है कि बिकॉज ऑफ एनर्जी कॉस्ट एंड ऑल कहीं ना कहीं इनका जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट करने की बात हुई थी, जिसकी वजह से ये तेजी बनते हुए दिखाई दी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मैंथा के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव ही है, जब तक भाव समझो 1080 के ऊपर मेंटेन है अब साइड में मुझे लगता है 1180 से 1200 का लेवल एक बार टेम्पररी दिखा सकता है। जी ये सर जी, कॉटन की बात करें तो कॉटन में देख रहे हैं कि 4200 से 43,000 की जो एक रेंज है वो अभी भी सस्टेन है, अभी भी उसी रेंज में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है ये जो कॉटन है जिस हिसाब से इसकी डिमांड है और फ्यूचर फॉरेन मार्केट में भी इसकी काफ़ी अच्छी तेजी डिमांड है, तेजी भी देखने को मिली है, तो इंडिया में प्राइसेस क्या रह सकते हैं? कॉटन में हमने रिसेंटली जो जंप देखा था ना वो देखा था टेक्सास के अंदर जो वेदर कंडीशन है वो काफी ज्यादा ड्रॉट कंडीशन बताया जा रहा था, जिसके चलते हमने 140 सेंट का लेवल देखा। बट पिछले एक हफ्ते से अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते से मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक
नेगेटिविटी के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ओवरऑल मुझे लगता है प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत जंप जरूर है जो 45,000 का लेवल दिखा दे, बट उसके बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा कॉशियस है क्योंकि अभी स्विंग का सीजन भी है सामने। तो मुझे लगता है एक बार 45,000 दिखा दे, बट यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आ सकता है जो 32,000 तक का भी लेवल दिखा दे, तो कॉटन पे थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। जी अजय जी, वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो कॉटन को इतनी हेल्दी करेक्शन की ओर लेके जाएंगे? देखिए, कॉटन के अंदर सबसे पहले तो मुझे लगता है पहला फैक्टर है स्विंग, बिकॉज उनके भाव के चलते इस बार स्विंग का रकबा बढ़ने की उम्मीद है शॉर्ट टर्म में। बट मेरा व्यू जो है वो ये है कि ग्लोबली जिस दिन से ऑयल सीड के भाव बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि ऑयल सीड का एरिया ज्यादा बढ़ेगा। बट टेम्पररी जो लोग देख रहे हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है सबका मानना है कि इस बार भाव बढ़े हुए इसमें स्विंग बढ़ेगी। सेकेंडली, टेक्निकली भी मार्केट ओवरबॉट है, क्योंकि हमने यहाँ पे 38,000 से या 36,000 से वन साइड तेजी देखी है, जो करीबन हमने 8,000 रुपए की तेजी देख चुके हैं। थर्ड आ जाता है डिमांड। फिजिकल मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो यान की डिमांड में थोड़ा सा ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ हाई प्राइजेस। फोर्थ अगर हम मानते हैं तो इतने ऊंचे भाव में गवर्नमेंट ने जनवरी से हमने देखा कि बैक टू बैक मीट हुए थे जहां पे उन्होंने कुछ रियायत देने की बातें की थी, तो आई थिंक गवर्नमेंट एक्शन अगर इससे आता है तो कहीं ना कहीं पुलबैक मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए टेंपरेरी मुझे लगता है कि 32,000 तक का लेवल हम कॉटन के भाव में आते हुए देख पाए। अजय जी, क्या कॉटन में जो 32,000 का लेवल आपने दिया है कि नीचे कॉटन की जो प्राइसेस है नीचे 32,000 तक जा सकती है एमसीएक्स पर, तो क्या फिर से कम कॉटन की जो प्राइसेस है वो ऊपर भी उठते नजर आएंगी? 2022 के लिए सबसे टॉपिक मेरी कॉटन रहेगी। इमीडिएट में तो हम देख रहे हैं मानसून बोला जा रहा है, बट मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि मानसून अच्छा रहेगा। बट जो फैक्टर अभी दिखा रहे हैं हमको, उसी के बेस पे बताता हूँ मैं कि एक तो मुझे लगता है कि मानसून में टेम्पररी जो है वो फॉल है। 2022 के लिए टॉप कमोडिटी कॉटन रहेगी जो ऊपर में 200 सेंट का लेवल, मतलब 70,000 का लेवल या 65-70 के करीब हम एमसीएक्स कॉटन को बनते हुए देखेंगे। उसके 5 कारण है। पहला है, सबकी उम्मीद है इसमें मानसून अच्छा आएगा, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल वेदर एजेंसी की रिपोर्ट कुछ देखते हैं तो वहां पे बताया जा रहा है कि थोड़ा कमी रहेगा। और यह थंब रूल भी है, लालिनों के बाद अगर हम देखें तो जनरली देखा जाता है कि मानसून में कमी आती है, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरा है, फर्टिलाइजर के कॉस्ट जमीन मतलब आसमान को छू चुके हैं, करीबन 40-50% का भाव जंप है, जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर के भाव बढ़ गए। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फार्मर ये देखेगा ऐसी क्रॉप को लगाया जाए जहाँ पे कम से कम फर्टिलाइजर क्योंकि 200 से 230 टन पर हेक्टर में कॉटन के अंदर ये फर्टिलाइजर का यूज होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण देगा। तीसरा, कॉटन के साथ अगर जनवरी में आप बात करते तो लगता था कि कॉटन में स्विंग बढ़ेगी, बट अभी कॉटन के साथ अगर हम देखें तो ऑयल सीड है, बाकी काफी कमोडिटीज है जिनके भाव में जबरदस्त तेजी आई है। थर्ड सॉरी फोर्थ आ जाता है यूक्रेन। यूक्रेन में हमने देखा है कि जीवन की युद्ध की वजह से जो स्विंग सीजन स्टार्ट हुआ था मार्च में, वो कहीं ना कहीं इस बार खराब हुआ है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से ये अपडेट है कि इस बार स्विंग का एरिया 50% फॉल हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो ऑयल शीड के लिए जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर एरिया कम होता है तो ऑयल शीड के भाव में तेजी रहेगी। इसको देखते हुए अर्जेंटीना, यूएस, चाइना, इंडिया, ये जो बाकी कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनका भी ध्यान जो जाएगा वो कहीं ना कहीं ऑयल सीड पे ज्यादा जाएगा। तो आई एम वेरी होपफुल, जैसे पिछले साल हमने राइडे में एरिया बढ़ते हुए देखा था, वैसे इस बार ग्लोबल मार्केट में जितना भी एडिबल ऑयल है या हम बोल सकते हैं सीड है, ऑयल सीड है, इनके अंदर शोइंग बढ़ेगी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कॉटन को मिलेगा। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि 2022 के अंदर हम करीबन 185 से 200 सेंट का भी लेवल हम कॉटन में देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 65 से 70,000 का भाव होता है। जी, ये सर जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों की कीमतों ने कमबैक किया है। मसालों में हमने देख रहे हैं अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी हो, तीनों ही मसाले काफी शानदार तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अब ये जो मसालों में तेजी आई है तो क्या मंडी में जितनी आवकें आनी थी आ चुकी है, खत्म हो चुका है राइवल प्रेशर, उसकी वजह से तेजी बनी है, या फिर एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा हुई है जिसकी वजह से ये तेजी आ रही है? मसालों में हम लोग तेजी 6-8 महीने से थे, बट हमने हमारी जो तेजी थी वो मार्च के फर्स्ट वीक में कम कर ली थी, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि कुछ ना कुछ अराइवल आएंगे जिसके से भाव में करेक्शन आना चाहिए।
क्रूड के भाव की वजह से रिसेशन हिट होना चाहिए, बट उसके विपरीत हमने देखा कि प्राइजेस में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ जरूर, बट उसके बाद अगले पिछले 15 दिन में जबरदस्त तेजी आ गई। मेरा व्यू अभी भी है कि न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि जो करंटली 15 दिनों में तेजी आई है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफसेट हो चुकी है, जिसके चलते अगर कोई भी यहाँ पे बाइंग करते भी है तो फ्रूटफुल नहीं होगा। ये हमारा व्यू था कि एक बार अराइवल चैलेंज चालू होगा तो प्राइजेस में गिरावट आनी चाहिए। प्राइजेस में कंसोलिडेशन था, जैसे जमीन में हमने 10,800-10,900 पे काफी कंसोलिडेट होते हुए दिखा, और जैसे 11,000 का लेवल पड़ा तब जाकर हमने 13,000 का भाव बनते हुए दिखा। तो ये 2,000 रुपए की तेजी जो वेरी शॉर्ट पीरियड में आ गई है, ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कॉशियस रहने के, हाँ नो डाउट एरिया एंड कल्टीवेशन में ड्रॉप है, अराइवल देखे तो उसमें जबरदस्त गिरावट है, खास करके अगर हम क्वालिटी की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा है और जो क्वालिटी एक्सपेक्टेड है वैसी नहीं आने की वजह से मार्केट के अंदर एक तेजी का रूप बना है जो आगे भी रहेगा। बट करंटली डेफिनेटली मेरा व्यू लॉन्ग टर्म तो तेजी बताया था मैंने, जैसे आपको 18,000 तक का लेवल धनिया, 25-26,000 का लेवल जीरा, बट मेरी उम्मीद थी ये जून जुलाई में आएंगे, जिस दिन से अभी तेजी आई है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉशियस रहना चाहिए, करंट लेवल पर भाई नहीं करना चाहिए। तेजी है जरूर, बट मेरी पर्सनल सलाह है कि मार्केट में जिस दिन से वॉलिटी बनी हुई 3-3 तरह की तेजी मंदी हो रही है तो ऐसे टाइम पर थोड़ा सा साइड साइड करना चाहिए। जी यही से जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में सुबह तक तो देर करते ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही थी, अभी भी तेजी वाले लेवल्स ही हैं, अच्छे लेवल्स हैं, लेकिन अब लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। धीरे धीरे देख रहे हैं ग्वार गम में 2% के आसपास और ग्वार सीड में 1% के आसपास करेक्शन बन चुकी है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार में हमने कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले ऊपरी सर्किट लगते देखे थे, तो क्या अब यहाँ से निचले सर्किट भी लग सकते हैं? देखो निचले सर्किट के कोई लॉजिक है नहीं, हाँ ये जरूर है कि जो हमने पिछले हफ्ते में अपर सर्किट लगते हुए देखा उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हम जरूर बोल सकते हैं जी। जो मुझे लगता है 6500 के आसपास का भाव, 6500-6550 गवार की, या 12800 से 12900 की रेंज में, 12800 के करीब गवार एक पुल बैक मिल सकता है। बट पूरे एंट्री पैक में सबसे बेस्ट कमोडिटी जो दिखाई देती है वो ग्वार कॉम्प्लेक्स ही है, जहाँ हम 15,000 का टारगेट आपके चैनल पर पहले भी बताया था और जो हम ऑलमोस्ट 13,500 का लेवल टेस्ट कर चुके हैं आज, और ग्वार सीड में भी हमने टारगेट जो दिया था वो 8,000 का दिया था ओवरऑल, जो अब तक हमने देखा 67-68 के करीब पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिन 5 दिन मार्केट में थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा पुल बैक है, बट दैट इज ए प्रॉफिट बुकिंग, नॉट के मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया जो लोअर सर्किट की। यूएस ने जिस ढंग से अपने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की और हो भी रहा है, सामने प्रैक्टिकल दिख भी रहा है, उसके चलते मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंजम्पशन गवार का उधर से ही जाएगा। तो एजमना मुझे लगता है गवार में 2 दिन के अंदर थोड़ा पुल बैक मिल गया, उस पुल बैक पर बाय करके चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव, पूरे एग्री पैक के अंदर गवार सबसे अट्रैक्टिव है जी। ये सजय जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, अब अमेरिका ने भी अपना एस्टिमेट दे दिया है कि इस बार साल 2022-23 में अमेरिका में भी सोयाबीन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो सकता है, तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ओवरऑल सोयाबीन का प्रोडक्शन रहने वाला है ग्लोबली और अमेरिका ने इस दौरान ऐसा अपना रिकॉर्ड प्रोडक्शन का एस्टिमेशन दे दिया है, तो क्या सोयाबीन की बाजार पर अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव? देखिए सोयाबीन में टेम्परेरी तो मुझे लगता है कि प्राइस में थोड़ा तेजी जरूर है, बट ये जून तक की तेजी है, जून के बाद मेरे को लगता है कि प्राइस के अंदर एक बड़ा फॉल हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइस के अंदर जो तेजी आई है तो ये कहीं ना कहीं स्विंग एरिया बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, खास करके यूक्रेन की बात करें तो जहां पे उम्मीद है कि 50% का ये एरिया कम होगा, तो इसका भी बेनिफिट लेने के लिए सभी एरियाज बढ़ेंगे। तो टेंपरेरी हो सकता है कि जून जुलाई तक मार्केट में तेजी रहे, उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल के लिए पूरा ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स मंदी दिखा देगा। तो अभी तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए, जो अपसाइड के अंदर डेली वापस 8-8.5 के लेवल एक बार दिखा दे, बट उसके बियॉन्ड जाके होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है जी। ये सर जी बात करें अगर अब बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लग रहा है, देखने बिनौला खल तेजी की तरफ जा ही नहीं पा रहे, उसी सुस्त वाली रेंज में ही बैठा हुआ है। देखिए बिनौला खल में जैसे हमने पहले भी बताया था, देखो व्यू में तो कोई चेंज आया नहीं है, बिकॉज भाव में कोई चेंज ही नहीं आया है। हमने फरवरी में बताया था कि 3,000-3,400 का रेंज है, और आप देख लीजिए 15-20 जनवरी से लेके आज तक
ना तो ये 3000 का लेवल तोड़ पा रहा है ना कभी तो नो डाउट लोगों की उम्मीद काफी ज्यादा है कि अभी तक खल चला नहीं है। हमारी भी उम्मीद यही थी कि प्राइजेस के अंदर एक बड़ा जंप मिलना चाहिए था, बट टू बी वेरी फ्रैंक 3400 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कंसोलिडेशन नहीं है, बट मंदी वाले सीन इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि अब दूध के भाव भी बढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं दूध के भाव के साथ साथ अगर हम देखें तो बाकी खर्च के भी कॉस्ट अगर हम पकड़ें तो कॉस्टिंग काफी बढ़ी हुई है। तो आई थिंक इसमें भी बने रहना चाहिए, जब तक 3050 का लेवल ब्रीच नहीं करे हायर साइड के अंदर हमें लगता है कि प्राइजेस मे भी अगर हम हायर साइड की बात करें तो 3400 तोड़े तो 3650 से 3800 भी दिखा दे, बट जो भी रहेगा ये मंथ के अंदर ही मोमेंटम रहेगा, उसके बाद मोमेंटम फेड आउट होता हुआ दिखेगा। तो बेटर ये मैंने के लिए ही तेजी में रहिए, उसके बिना मेरे को लगता नहीं कि प्राइजेस होल्ड कर पाए। जी अजय जी, एग्री कम्युनिटीज में आप टॉपिक्स किने देना चाहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? देखिए पूरे एग्री पैक के अंदर वैसे तो ग्लोबल कमोडिटी साइकिल चल रही है, ये थोड़ा अच्छा ही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए वो है गवार कॉम्प्लेक्स। गवार कॉम्प्लेक्स में मुझे तो ये लग रहा है कि ज्यादा और रह सकती है, तो एक बार 6500 के करीब मिले तो वहां पर हम लेके चलेंगे, जो ऊपर में 7000 तक का लेवल दिखा दे, बट उसको व्यू 10-15 दिन का लेके चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आ जाए। तो गवार फ्री और गवार गम दोनों कमोडिटी में आप पीछे कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किन कम्युनिटीज में निवेश के मौके हैं, किन कम्युनिटीज से संभल के चलना है। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफों की खबरों का दौर लगातार यही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।